राम राम। मैं भाई आपका भाई विनय। मैं भाई आपके लिए आज एक वीडियो ले आया था शौक की, जो कि बहुत ज़बरदस्त मद्रासी कबूतरों का शौक है राजू अंकल का। तो भाई पहले आपको उनसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं, और उसके बाद भाई आपको आगे चल के कबूतर दिखाएंगे, इनके कितने ज़बरदस्त मद्रासी कबूतर हैं इनके। तो पहले मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ सबका। तो ये हमारे भाई राजू भाई है ना, राजू सैनी राजू राजू सैनी भाई है, ये हमारे बंटी भाई साहब है, ठीक है। और ये हमारे राजू अंकल है, जो कि इस छत के भाई, मतलब ये छत के ऑनर है। और ये प्रदीप भाई, और ये भाई साहब, ये इनके यहाँ मोनू पे जो क्या नाम है, मोनू सैनी मोनू भाई है, जो कि यहाँ पे भाई सारे कबूतरों की देखभाल करते हैं और केयर टेकर हैं यहाँ के, ठीक है। तो राजू अंकल से शुरुआत करते हैं। राजू अंकल, मतलब मद्रासी कबूतर कितने टाइम से रखे हुए हैं आपने? मद्रासी है ये 2001 से। तो लगभग लगभग 19-20 साल के करीब हो गए हैं भाई राजू अंकल को मद्रासी कबूतर रखते हुए, और बहुत टॉप क्लास के मद्रासी कबूतर है राजू अंकल के, मैंने देखे हैं अभी। तो अभी आगे चल के आपको भी दिखाते हैं। तो राजू अंकल, मतलब कंपटीशन कब से शुरू करा आपने मद्रासी कबूतरों में? कंपटीशन तो पहले देसी थे, उन देसियों से स्टार्ट कर रखा था। अच्छा, मद्रासियों का इतना वो नहीं था, हाँ, मद्रासियों का 5 के बाद ही स्टार्ट फिर हुआ है धीरे कंपटीशन धीरे धीरे स्टार्ट धीरे। करा हाँ, है। पहले इकट्ठे करे हैं ये, फिर हाँ बाद में इनका कंपटीशन होने लगे, उसमें जब चालू करे हैं 2005 हाँ के बाद। और दूसरी बात राजू अंकल की, मतलब मद्रासी कबूतरों में आपको, मतलब देसी कबूतरों से क्या चीज़ अलग लगी और बढ़िया लगी? देसी ये था, उनमें मेहनत कम करनी पड़ती थी, इनमें मेहनत ज्यादा करनी हाँ, पड़ती है। बाकी ये भी फर्क है कि बाजवाज से बच हाँ, जाते हैं ये मतलब। बात से बच जाए, हाइट में जाने के बाद बात ज्यादा मारता उनको। हाँ, और एक चीज़ और, जैसे कि भाई मैं बताता हूँ, जिस भी अच्छे खिलाड़ी के पास मैं जाता हूँ, कि जिससे कि भाई आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिले, तो मैं ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ। तो राजू अंकल, आप मुझे बस एक बात बताइए कि आँख चोंच नाक ज़्यादा मैटर करता है या ब्लड मैटर करता है? अच्छा, अपने घर के बच्चे जो तैयार करते हैं ना, हाँ, सबसे जो बढ़िया वो आपने है। खुद टेस्ट कर हाँ, जो रखे टेस्ट हो। कर रखे हैं उनके बच्चे बनवाओ। हाँ हाँ, तो कहने का मतलब भाई ये होता है कि ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कभी भी आँख चोंच के पीछे मत भागा करें। अच्छी जो चीज़ आपने उड़ा के देख रखी है उसी के लिए, उससे बढ़िया हाँ कुछ नहीं है ना। जो अपने उड़ा के वो उनके बच्चे करवाओ, उन्हीं के हाँ बच्चे बढ़िया हैं, दूसरे कर चक्कर में ना पड़े। हाँ और प्रदीप भाई, आपका इस बात पे भी कहना कैसा है कि मतलब क्या ये ब्लड बढ़िया रहता है या फिर ये आँख चोंच के पीछे जो लोग भागते हैं? देखो बिना भाई, मेरा मानना तो ये है कि ब्लड लाइन जितनी बेस्ट रहेगी ना अपने पास, सबसे हाँ, बेस्ट वही काम करता है अपने घर में खून ही ये ना। बढ़िया होना चाहिए। हाँ, हाँ खून जो जिसमें खून दौड़ता है वही बच्चा दौड़ता है हाँ यहाँ रेस में। बाकी सही। आंखों के पीछे तो भागना बेवकूफी है यार, ये हाँ आंख देखो, पूंछ देखो, पर देखो, ये तो वो हाँ कुछ नहीं है बस भाई कुछ ऐसा। नहीं तो सारे भाई बस आपसे यही, इन भाई से भी पूछ लेते हैं। भाई साहब, मतलब आप भी काफी टाइम से, कितने टाइम से रखे हैं आपने कबूतर भाई साहब? है। 15 साल भाई 15 साल भाई साहब ने भी रखे हुए हैं, तो आपने भी अपने घर की ही सारी बना रखी होगी नस्ल, भाई, है ना? बच्चे ही उड़ते हैं घर के, और नहीं उड़ते बाहर के है ना? कहीं। तो भाई या तो बाहर के लाओ, तो राजू अंकल मतलब किसी भाईचारे में बढ़िया कबूतर तभी मिलेगा आपको, तभी ठीक मिलेगा, वैसे नहीं है। मिलेगा। पैसे वैसों में तो भाई आजकल, न पैसे में तो कोई नहीं देगा, है ना? कोई नहीं देगा पैसे में, या तो फिर उसके पूरे खरीदने पड़ेंगे हाँ, या फिर जगह उनके से। भाई सारी की सारी कोई छत हटा रहा हो तब मिल जाएगा, या फिर भाई किसी भाई ने खुद ही रिजल्ट दे रखा हो, वही आपको अच्छी चीज़ हाँ, बताएगा और वही देगा, बताएगा। है ना? तो भाई यही मेरा मकसद था भाई आपको बताने का। और आगे चल के भाई जितने भी शौकीनों के पास हम लेके जाएंगे, सबसे यही आपको क्लियर करवाता चलूंगा मैं कि नुक्ते की ओर डालेंगे हम भी। कितनी ज़रूरी है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो चलिए भाई, मैं अब आपको ना राजू अंकल के कबूतर दिखाता हूँ, ठीक है। वैसे राजू अंकल का पूरा नाम राजू कटारिया है ना, हाँ, राजू और कटारिया। गुड़गांव में भाई राजू अंकल को कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ना जानता हो। सारे मतलब सब लोग अच्छे शौकीन सब जानते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए भाई, अब करवाते हैं कबूतरों का नहीं, ये शौक मैं राजू अंकल राजू को। अंकल के जो भाई ब्रीडिंग वाले कबूतर हैं भाई, उनका शौक करवा रहा हूँ। तो मैं अंकल से गुजारिश करूंगा कि आए और एक एक करके मेरे को दिखाएं जो इनके ब्रीडिंग के कबूतर हैं। आ जाइए अंकल। ये भाई अंकल के पीले कबूतर हैं, काश ने, ठीक है। तो ये कबूतर देख लीजिए भाई, ये कबूतर है भाई, ठीक है। तो ये देख लीजिए भाई, ये इनकी नस्ल है भाई ऊंट, ऊंट कहते हैं इन्हें, ठीक है। काफी फेमस नस्ल है इनकी यहाँ पर। तो ये देख लीजिए भाई, ये हमारे भाई ये मद्रासी कबूतर है जो राजू अंकल जी के, ठीक है। और अंकल एक आधा जो बड़ा ब्रीडिंग पेयर है ना वो दिखाओ, जिससे आपने नस्ल बनाई है, जैसे ये ऊंट वाले की जो मेन नस्ल है। अच्छा, ऊपर है वो, ये भाई हाँ सैंधे कबूतर है, देखिए। अभी ऊपर चलेंगे भाई, ऊपर भी काफी सारे कबूतर हैं, पर देखिए भाई कबूतरों के, ठीक है। अभी ऊपर चलेंगे, ऊपर भी बहुत सारे कबूतर हैं, वो दिखाते हैं।
और ये तो भाई मुझे बहुत पसंद आया कबूतर। ये भाई काड़ा नारा कबूतर है, बहुत ही मतलब शानदार बॉडी स्ट्रक्चर का। ये देखिए भाई, जबरदस्त बॉडी स्ट्रक्चर का कबूतर है काड़ा नारा। ठीक है मेरे भाई, ये पर है भाई, और ये सिर्फ दिखने के नहीं है भाई, इनमें उड़ान भी बहुत ज्यादा है और जबरदस्त उड़ान के मालिक है ये। जितने सब शर्तों के उड़े उड़ाए ये अंकल ने सारे के सारे भाई कपों में उड़ाए हुए कबूतर है। ये कल्सरा मद्रासी देखिए भाई, ये सारे के सारे कपों में उड़ाए कबूतर है। ठीक है मेरे भाई, तो शौक कर लीजिए मद्रासियों का। अंकल इसमें कोई और मतलब डिफरेंट पिलका सा है जो आप, हाँ वो दिखाओ। ये भाई ये देखो, ये इनकी ऊंट वाली नस्ल है भाई, पूरे के पूरे लंबे साइज के कबूतर है और शाम तक की परवाज है इन सब की। ये देखिए भाई पर इनके, ये दुम है भाई। ठीक है, ये कबूतर मुझे बड़ा पसंद आया अंकल के कबूतरों में, पिलका मद्रासी। और यहाँ पे कोई कबूतर ऐसा रखा नहीं जाता भाई जिसका कोई रिजल्ट ना हो, सारे ही कबूतर रिजल्टेड है भाई। ये देखिए भाई कबूतर शानदार भाई, बड़े टाइम बाद भाई बाहर, वैसे मैं छतों पे दूसरी छतों पे जाता नहीं हूँ, पर अंकल के कबूतर देख के ऐसा लगा कि भाई इतने टाइम बाद एक जबरदस्त वीडियो बनाएंगे, मजा आ गया। भाई ये देखो भाई पिल के मद्रासी, शौक कर लो सारे भाई, जिनको भी पिल के मद्रासियों का हो ना वो सभी भाई शौक कर लो भाई। ठीक है मेरे भाई, एक ये लाल कबूतर देखिए भाई, ये भी लाजवाब कबूतर है, मैदुम कबूतर है, सफेद दुम का अनारा लाल भाई। ये देखिए भाई जबरदस्त दुम इसकी सफेद है और अनारा लाल कबूतर है भाई ये। ठीक है, पंजाबी है, एक अंकल के पास कितने दो दो जोड़े अंकल के पास पंजाबियों के भाई, ये लाल डब्बे पंजाबी जो पंजाब में भाई बहुत लोग मांगते हैं, बहुत डिमांड में रहते हैं कबूतर। ठीक है, तो इनका और शौक करवा देता हूँ। जोड़े हाँ ये भाई गर्मियों में भी अंकल कह रहे हैं 4-5 बजे का रिजल्ट है भाई इनका, और वो भी 40 डिग्री से ऊपर की बात हो रही है गर्मियों में, ये नहीं 37-38 की। ठीक है भाई, तो ये कबूतर देख लीजिए भाई, पर देखिए कबूतरों के, ये भाई कबूतर पूरी ऑल ओवर कबूतरों की खूबसूरती है भाई। ठीक है मेरे भाई, ये तो ये कबूतर के पर देखिए भाई, ये कबूतर तो अभी हम बात कर रहे थे बाहर, भाई आए हुए थे हमारे साथ नवीन भाई, वो बात कर रहे थे भाई हम बाहर कि इस कबूतर का बड़ा तगड़ा रिजल्ट है भाई। और एक बात और बताना चाहूंगा इस कबूतर की भाई, इस कबूतर में जैसे हड्डी जोड़ का भी कोई ज्यादा वो नहीं है, पर ये ब्लड इतना तगड़ा है इस कबूतर का भाई, ये शाम तक की परवाज रखता है। ये पंजाबी कबूतर है भाई। ठीक है मेरे भाई, एक आधे अंकल सैंडे और दिखाना इसके बाद। हाँ मकोई ये अंकल की मकोई नस्लें हैं। ओए होए क्या बदन है यार इसका, बिल्कुल भाई सूता हुआ बदन, जबरदस्त बदन है भाई कबूतर। ये देखिए भाई परना तलवार जैसे बिल्कुल, और ये दुम है। ठीक है, तो ये है भाई बस अंकल, अब एक आधा और दिखाना वरना फिर वीडियो होगी लंबी। हाँ 2 मिनट। ये भाई सैंडे कबूतर है अंकल के, जो भाई जिनका मेरे मेरे को तो भाई बड़ा दिल आया इन कबूतरों में, जबरदस्त कबूतर। ये भाई मादी ने अंकल ये, हाँ मारी, और ये सारी की सारी उड़ाई हुई कबूतरियां हैं, और उड़ाकर काटी हुई दोबारा जो तब जाके जोड़ों में डालते हैं भाई अंकल। ठीक है मेरे भाई, ये देखो भाई कबूतर। ये है मेरे कबूतर दोबारा अच्छा, पट्टा है घर का, हाँ ये होता होगा तो भाई मैं। ये है दुबाज कबूतर मेन अंकल के, जहाज मतलब जिससे नस्ल बनी है दुबाज होगी है, ये दुबाज है भाई। ये देख लो भाई, ये कबूतर के पर है। ये भाई अंकल के पास नफ्ते और चितले या टटीरे कुछ भी कह लो भाई, ये उनकी नस्ल है। ये देख लो भाई पेयर है ये, एक एक करके शॉक करवा देता हूँ मैं आपको। तो भाई ये मेल देख लीजिए, ये भाई काली चोच के कबूतर है, और बड़ा शानदार रिजल्ट है भाई इन कबूतरों का गर्मी में। ये कबूतरों के पंजे देखिए भाई। ठीक है मेरे भाई, ये पर है, तो ये रंग तो भाई उड़ता ही बहुत ज्यादा है मद्रासियों में। ठीक है, ये मादी ना भाई उसकी। ठीक है मेरे भाई,
तो भाई ये थे अंकल की ब्रीडिंग वाले कबूतर। अभी ऊपर चल के ना आपको भाई वो दिखाते हैं इनके जो फ्लाइंग वाले हैं, जो कबूतर, जो भी उड़ने वाले कबूतर हैं। और अंकल के पास भाई नीचे चल के भाई कम से कम भी तो 70-80 काले मद्रासी हैं, सिर्फ काले। तो भाई वो भी दिखाएंगे, तो आप बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है? तो तो चलिए भाई भाई ये जो चलते फ्लाइंग हैं। वाले लॉफ्ट है अंकल के, राजू अंकल के, तो भाई वो उसका शौक करवाने आया हूँ मैं। तो चलिए आपको कबूतर दिखाते तो हैं। ये भाई पहली कबूतरी है उड़ने वालों में, ठीक है? तो पहले मैं आपको आपका शौक करवाता हूँ, फिर छोड़ के इनकी कदकाठी दिखाऊंगा। बाकी परवर देख लीजिए, ये सभी उन्हीं के बच्चे हैं जो भाई नीचे जो भी हमने आपको पेयर दिखाए थे उन्हीं का खानदान है। और अंकल सारे के सारे रिजल्टेड कबूतर है। जो कबूतर उड़ता नहीं है वो अंकल की छत पे रहता नहीं है भाई, ठीक है? इसकी खड़ान दिखा देते हैं। ये भाई कबूतरी देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे तो पट्टा हो भाई। तो ये भाई दूसरी देखो, जो काले अंकल की, जो कालों की नस्ल है उसकी पट्टी है ये, ठीक है? जबरदस्त भाई, एक नंबर की। मतलब इनको पकड़ रखा है तो ऐसा लग रहा है भाई रूई ले रखी हो हाथ में, इतना सॉफ्ट बदन है इनका। पर देखिए भाई, उड़ने वाला पर भाई, ठीक है? ये दुम, और पंजे दिखा देता हूँ, ठीक है? फूलों की पट्टी है। ये भाई सैंधो की, जो काशने और सैंधे अंकल के पास, उनके पास भाई ब्राउन कलर के पर हैं इनके पूरे, ठीक है मेरे भाई? मतलब जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है इनकी वो है भाई, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना वो गर्मियों के टक्कर का है, बिल्कुल बिल्कुल छोटे साइज के कबूतर है, ठीक है मेरे भाई? और जबरदस्त परवर, सब कुछ हर चीज से परफेक्ट है कबूतर। ये शायद ही बच्चा है, 3 साल हो गए, कैच करा है इसको। हाँ ये भाई कालों में ही निकला हुआ है, देखिए ऐसे भी कलर बनते हैं कालों में। ओए क्या जबरदस्त है भाई ये, इसकी आंख देखिए, ठीक है? ये भाई कलर देखिए कितना डिफरेंट कलर है। ऐसा कलर भाई गोले वोलों में ही होता है, पर ये कबूतर जो है भाई शाम तक की परवाज वाले कबूतर है, ठीक है? और ये शाकालों में से ही निकले हुआ अनारा कबूतर है, पर तो कटे हुए हैं। कह रहे अंकल की 3 साल ये उड़ा के जब कैच करा है बच्चे लेने के लिए, ठीक है? ये ये भाई ये भी कालों में, इनके काले चीने निकलते हैं। तो ये देखिए भाई काले चीने, ठीक है मेरे भाई? तो ये भाई इसके पर है, सबके पर भाई, मतलब ये लगा लीजिए पर के ऊपर पर है हर कबूतर का। ऐसा नहीं है कि भाई परों में गैप हो या कुछ हो, इनकी उड़ान भाई इनके पर ही बताते हैं कि कितनी ज्यादा होगी भाई, ठीक है? और कबूतरी है ना भाई, ये भाई हरिद्वार कबूतरी मुझे बड़ी पसंद आई अंकल के पास। एक तो काफी एंटीक आंख है इसकी, ठीक है? और मतलब सुंदर भी बहुत है कबूतरी। और ये अंकल अंकल ये कह रहे थे रात भर रहेगी थी कई फड़कों में। हाँ ये भाई कई फड़कों में रात भर रही हुई कबूतरी है अंकल की। मेरे को जो सबसे ज्यादा पसंद आया भाई इन कबूतरों का साइज आया, सारे ही कबूतर एक ही साइज के हैं, लगभग ब्लड लाइन ही दो तीन ही चल हाँ रही उन्हीं है के ना। हैं, सारे उन्हीं के हैं। ये उचीने की है, ये हाँ भी ये वो 4 साल हो रही है, अब कैच करिएगा। ये भाई वो चीने जो नीचे जोड़ा दिखाया था, नफ्ता नर था और वो कल परी कल दुमी चीनी सी मादिन थी, उनके हैं भाई ये, ठीक है? और 4 साल उड़ा के अंकल कह रहे कैच कर लिया, अब ये जोड़ों में डाले जाएंगे। मतलब इनको कबूतरों को पकड़ के ऐसा लग रहा है भाई जैसे पंजाबी कबूतरों। इस कबूतरी को छोड़ के दिखाता हूँ, ये देखिए भाई परों में भी रुक रही है। ये उनकी लाल के उसकी लड़की ने। अच्छा ये जो भाई पंजाबी कबूतर थे नीचे जो लाल का मैंने जोड़ा दिखाया था एक, ठीक है? ये उनकी पट्टी है, ये देख लीजिए भाई। ये भाई देखिए क्या शानदार आंखें हैं भाई कबूतरी की, ठीक है? तो भाई ये सारे कबूतर हैं अंकल के जो उड़ने वाली है, सिर्फ मादिने है भाई, ठीक है? इसमें काले देखिए क्या शानदार काले हैं, काले तो अभी मैं नीचे जाके दिखाऊंगा अंकल के पास, 60-70 काले ही काले हैं खाली। फिर भी एक आधा दिखा देता हूँ इनमें से मैं। वैसे इस कबूतरी की कदकाठी बहुत तगड़ी लगी मुझे, कदकाठी तो खैर भाई हर कबूतर की इतनी जबरदस्त है। यहाँ पे एक कबूतरी देखो भाई जबरदस्त, पूरा का पूरे ब्लैक डायमंड है भाई, बदन देखिए, मतलब रूह खुश होगी भाई इतने तगड़े काले देख के ना आज। और बहुत सारे क्वांटिटी में, मतलब ऐसा नहीं है एक दो, बहुत सारे काले हैं भाई, ठीक है? तो जैसे ये मखियारे कबूतर देख रही है भाई, ये सारे के सारे अंकल कह रहे हैं कि कालों में ही बने हुए। जैसे कि भाई मैं अपनी वीडियो में आप सबको बताता रहता हूँ भाई, जो भी काले कबूतर हरों में से, हरे बच्चे मारते होंगे हरों में से बने होंगे, तो
उनका रिजल्ट भाई बहुत जबरदस्त मिलेगा आपको। ये भाई काले मखियारे हैं, और भाई काले और ये मतलब सैने ऐसे भी बच्चे मारते रहते हैं, नीले बच्चे। जबरदस्त भाई मजेदार मद्रासी कबूतर है। बहुत टाइम बाद मुझे भाई, वैसे तो वीडियोस आती रहती हैं पर ऐसे मद्रासी कबूतर बड़े टाइम बाद देखने को मिले। ये भाई एक अनारी कबूतरी है, इन्हें मैंने निकली हुई कालों में। एक ये और शौक करवाता हूँ आपको, ये देखिए भाई, ये भी भाई अंकल जी कह रहे हैं वो अनारी आपका जो काला नर दिखाया था उसकी है भाई पट्टी। ठीक है मेरे भाई, तो ये पर देखिए भाई, लाजवाब भाई अंकल। मतलब इनकी उड़ान का मतलब क्या पैटर्न है, ऊपर को उड़ते हैं थोड़ी, है ना, आधे से आधे में, हाँ अध पट्टे पे उड़ते हैं, जो कि भाई गर्मियों में बिल्कुल ऐसा ही उड़ना चाहिए कबूतर, आधे से ऊपर। तो भाई ये सारे के सारे अंकल की मादिने हैं जो उड़ती हैं भाई, शर्तों में जो अपना जिन्होंने अपनी नाम लिखवा रखा है पर्चों पे सबने, और बहुत जबरदस्त एक से एक कबूतर है, सबका एक ही वजूद है, एक ही कद काठी के। एक पंजाबी हो रहा है भाई इसमें, एक और दिखाता हूँ मैं, ये देखिए भाई, ओए होए, ये देखिए भाई पंजाबन कबूतरी, लाल धब्बों वाली। इस कबूतरी को मैंने पकड़ रखा है, ऐसा लग रहा है भाई कोई सहारनपुरी कबूतर पकड़ रखा हूँ मैंने। राजू अंकल, ये अंकल इसका क्या हिसाब के, ये पंजाबी कबूतरी कहाँ से आई हुई है? अपने उसकी है नीचे जो है ना अच्छा प्राचीन है, अच्छा, पुणे के माँ बाप की है। हाँ इसका क्या रिजल्ट अंकल? ये अभी उड़ा अभी ताजी फ्रेश है ये अच्छा अभी, अच्छा ये इस बार उड़ेगी अब कि काफी गर्मियों में, गर्मियों में उड़ेगी भाई ये। ये तो ऐसा लग रही है भाई, ये चीनी आई हुई है कहाँ पर? अच्छा ये रही एक चीनी भाई। ये भाई क्या वजूद है यार इनका पंजाबियों का, जबरदस्त भाई, मतलब रूई जैसे कबूतर है भाई। ये देखिए भाई पंजाबी कबूतर, जबरदस्त एक नंबर के। ये पंजे देखिए भाई, इसका बेचारी का नाखून कटा हुआ है। तो भाई ये मादी ने अंकल की, अब कुछ ही नर है भाई, वो मैं नर अभी दिखा देता हूँ आपको ओवर यू। हालांकि सबकी एक ही नस्ल है भाई, कुछ ऐसा नहीं है, ये दो तीन जोड़ों के ही बच्चे हैं सारे के सारे। ठीक है सबकी कदकाठी बराबर है। तो चलिए भाई दिखाते हैं अब आपको नर। तो भाई ये जो नर है सारे, नर अंकल के पास कम है, मादी ने बहुत ज्यादा थी, तो यही है भाई। ठीक नर उड़ रहे हैं है 11 अच्छा नर उड़ा, अच्छा आज नर उड़ा रखे अंकल ने, सुबह 6:30 7 बजे उड़ाए थे ना, 7 बजे 7 बजे उड़ाए थे भाई। अभी दिखाते हैं बाहर चल के, 12 कबूतर उड़ रहे हैं। ठीक है सारे उन्हीं के हाँ, चलो मैं आपको एक बार बाहर आके नर दिखाता हूँ जो उड़ा रखे हैं। ये भाई अंकल के नर उड़ रहे हैं, सुबह 7 बजे छोड़े थे। क्या टाइम हो रहा है नवीन भाई, बड़ी फोन दिखाना। ये 11:30 हो रहे हैं भाई, ये देख लीजिए। और यूं के यूं मतलब निकाल के फेंके हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इन पे कुछ अभी खुराक पानी चल रहा है ना अंकल, ऐसे सादे फेंक रखे हैं। अंकल के यहाँ पे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो उनमें से कबूतर मुझे बहुत ही मतलब तगड़ा लगा भाई, वो दिखा रहा हूँ मैं, आना भाई एक बार आगे दिखाना। ये भाई देखो सफेद मद्रासी कबूतर है भाई अंकल, इस ब्रीड का कुछ नाम रखा हुआ आपने, है ना, ऊंट बोलते हैं भाई इन्हें। ये बिल्कुल भाई ऊंट के जैसे, देखना कितने लंबे चौड़े कबूतर है, और इनकी गर्मियों की बहुत तगड़ी उड़ान है भाई। छोड़ के दिखा भाई इसकी मादिन दिखाना जो मेन है कबूतरी अंडे पे बैठी हो नीचे। भाई ये है मेन पेयर अंकल का, सफेद मद्रासियों का, जो जिन्हें ऊंट कहते हैं भाई। अब इसमें जो मेरे समझ आ रहा है भाई, वो इसके बच्चों का इतना तगड़ा रिजल्ट ही है, देखिए भाई इनका कदकाठी में फर्क देखिए। ठीक है अब इससे ज्यादा लंबी मादिन लगा देते तो बच्चे का वो वजूद आ नहीं पाता ना अंकल। ये बढ़िया रिजल्ट भाई, एक नंबर का पेयर लगा हुआ है। और ये देखिए भाई ये नस्ल है भाई जबरदस्त, इन्हीं के हैं सारे सफेद बच्चे जो अंकल के पास उड़ते हैं, ऊपर उड़ भी रहे भाई अभी कुछ बच्चे। ठीक है तो भाई दूसरा पेयर ये है अंकल का, जिससे अंकल ने पूरी ब्रीड मेंटेन कर रखी है, नस्ल बना रखी है। और मैंने जैसे कि पहले भी बताया आपको कि बस दो ही तीन जोड़ों की नस्ल है सारी, तो भाई ये काशनों का पेयर है देख लीजिए। ठीक है गुलाबी डोरों का ये नर है, नर है ना भाई ये, हाँ ये मादिन है। ठीक है तो भाई ये देख लीजिए, जबरदस्त गुलाबी डोरों का नर है भाई, आ रहा नवीन भाई पूरा। ठीक है तो पर तो इसके काटे हुए हैं क्योंकि ब्रीडिंग पेयर है, और बिल्कुल जामुनी पंजे हैं इसके, और इसके नाखून भी पूरे मतलब जैसा इसका रंग है ना काशना, वैसे ही नाखून है भाई इसके। मादिन दिखाना भाई अब इसकी, मादिन ने देखिए काशनी, काशने की इसी की ब्लड लाइन है अंकल के पास, हरे और काशने जो बने हुए हैं ना वो इसी के हैं भाई। ठीक है ये मेन, कितना टाइम हो गया अंकल इस जोड़े को आपके पास? 10 साल के करीब है, और भाई कबूतर अभी भी बिल्कुल अंडे बच्चे कर रहे हैं बढ़िया तरीके से।
एक भाई ये पैर अंकल के पास, इसमें सफेद मद्रासी नर है भाई, और ये काली मादिन है, और जितने भी काले चीने कल परिकल्दू में बच्चे निकलते हैं वो इन्हीं के बच्चे हैं, ठीक है। तो अगर किसी भाई को अपने काले चीने वगैरह बनाने हो तो वो भी ऐसे ही पैर लगा के बना सकता है। तो मैं पहले नर दिखा देता हूँ, फिर आपको मादिन दिखाऊंगा, ठीक है। नर तो भाई बहुत ही जबरदस्त नर है ये तो, बिल्कुल ये देखिए भाई, नर आंखें देखिए इसकी, बिल्कुल ड्रैगन आई में है ये, ठीक है। ये नर की आंखें हैं, जूम करके दिखाना भाई आंखें पूरी। ये नर है भाई, और पर तो हालांकि कैच है, ये नर की दुम है भाई, और ये पंजे बिल्कुल जामुनी। मैंने अंकल के जितने भी कबूतर देखे सारों के ये पंजे अंकल भाई लगभग लगभग जो जामुनी है, जो बात ठीक है बताया भाई। उसकी मादिन है और सफेद नर की, ये देखिए भाई चेहरा इन कबूतरों का। कालों की तो पूरी खदान है अंकल के पास, अभी नीचे चल के दिखाएंगे, ठीक है। तो ये जो मेन ब्रीडिंग पेयर है, दो तीन मैंने ये दिखाए थे, ठीक है भाई। तो चलिए अब आपको ना काले दिखाते हैं नीचे चलिए भाई।